बनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूवर्स आप देखेंगे कि वो लेकिन माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूवर्स आप देखेंगे कि गुड़े को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर थे। व्यूवर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़रा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तो मेरी बेटी तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इन अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूवर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूवर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो व्यूवर्स, लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूवर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमियाँ आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ थी और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर थे। व्यूअर्स जिस तरह देखेंगे कि इनब बहुत ज़रा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तो मेरी बेटी तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो व्यूअर्स, लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमियाँ आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ थी और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर थे। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़रा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तो मेरी बेटी तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए। और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो व्यूअर्स, लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर
हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर थे। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए उसको माफ़ करनी चाहिए, तो मेरी बेटी तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर थे। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए उसको माफ़ करनी चाहिए, तो मेरी बेटी तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर थे। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए उसको माफ़ करनी चाहिए, तो मेरी बेटी तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे
दरमियान में जो गलत फहमियाँ आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुल्लक की माँ आती है और गुल्लक की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुल्लक की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुल्लक को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इन अब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उसे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इन अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूवर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूवर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूवर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूवर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुलिया के पास और गुलिया से माफ़ी मांगता है कि गुलिया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमियाँ आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुलिया की माँ आती है और गुलिया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुलिया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुलिया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उसे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुलिया के पास और गुलिया से माफ़ी मांगता है कि गुलिया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमियाँ आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुलिया की माँ आती है और गुलिया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुलिया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुलिया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उसे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर
खानदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर
खानदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे
दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुल्लक की माँ आती है और गुल्लक की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुल्लक की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुल्लक को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर थे। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुलिया के पास और गुलिया से माफ़ी मांगता है कि गुलिया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुलिया की माँ आती है और गुलिया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुलिया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुलिया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर थे। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुलिया के पास और गुलिया से माफ़ी मांगता है कि गुलिया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुलिया की माँ आती है और गुलिया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुलिया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुलिया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर थे। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर
खानदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुड़िया की माँ आती है और गुड़िया की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो, लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुड़िया की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुड़िया को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर था। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इनब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूअर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूअर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूअर्स लेकिन हमदान उसे कहेगा कि बस मैं तुम्हारे साथ और नहीं रह सकता, बस ये हमारी आखिरी दिन थी, तुम इसको दस्तखत करो। व्यूअर्स आप देखेंगे कि फिर हमदान जाता है गुड़िया के पास और गुड़िया से माफ़ी मांगता है कि गुड़िया मुझे माफ़ करो, हमारे
दरमियान में जो गलत फहमी आई थी वो मैं दूर करना चाहता हूँ और मैं तुमसे रहना चाहता हूँ। व्यूअर्स आप देखेंगे कि इसमें गुल्लक की माँ आती है और गुल्लक की माँ उसको बहुत ज़्यादा बातें सुनाती है कि तुम यहाँ क्यों आते हो। लेकिन व्यूअर्स आप देखेंगे कि वो गुल्लक की माँ को कहेगा कि तुम चुप करो, ये मेरी बीवी है और तुम हमारे बीच में नहीं बोल सकते। व्यूअर्स आप देखेंगे कि गुल्लक को कुछ भी मालूम नहीं है कि मेरे भाई रजा का कसूर थे। व्यूअर्स जिस तरह आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान होती है और इनब अपने बाप के पास जाएगी और अपने बाप उसको गला दे देगा कि इन अब कोई मसला नहीं है, तुम मेरी बेटी हो और बेटी जो भी गुनाह करे, जो भी खता उससे हो जाए, इसको माफ़ करनी चाहिए, तुम मेरी बेटी हो, तुम किसी भी वक्त इस घर को वापस आ सकती हो। और व्यूअर्स आप देखेंगे कि इन अपने बाप से गले मिलाकर बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि मेरे बाप ने तो मुझे माफ़ कर। तो व्यूअर्स नेक्स्ट एपिसोड के हवाले से आपका क्या राय है, अपने राय की इजहार कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिए और इसके साथ हमारा यूट्यूब का चैनल इखलास टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, ड्रामा सेल के नेक्स्ट एपिसोड में आप देखेंगे व्यूवर्स हमदान इनब को डिवोर्स के पेपर दे देता है और इसको कहता है कि तुम इसको पढ़ लो और पढ़ के दस्तखत करो। व्यूवर्स आप देखेंगे कि इनब बहुत ज़्यादा परेशान हो जाएगी जब वो डिवोर्स के पेपर देखती है। व्यूवर्स वो हमदान को कहेगी कि तुम रुक जाओ, ऐसा मत करो। व्यूवर्स लेकिन हमदान